हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शौरबिंदु। मैंने मूवी देखा है दृश्यम 2। आई होप आप सबने भी देखे होंगे, ये सब कोई देख रहा है, बहुत फेमस हो गया मूवी। तो मैंने भी वो मूवी देखा है और मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा मेरे को ये मूवी कैसा लगा। तो दृश्यम जो है, दृश्यम 2, ये पहले ही बन चुका है मलयालम में, जिसमें मोहनलाल ने एक्टिंग किया था। मैंने भी वो मूवी देख चुके हैं और अभी जाके मैंने हिंदी वर्जन भी देख लिया है। तो बात करते कहानी की। कहानी स्टार्ट होता है 7 साल बाद। दृश्यम अगर 1 अपने देख चुके हैं, 7 साल बाद ही कहानी स्टार्ट होता है। अभी विजय सालगांवकर बड़ा आदमी बन गया है, अभी उनके पास अपना सिनेमा हॉल है। पहले बाइक हुआ करता था, अभी कार है। पहले से मूंछ हुआ करता था, अभी दाढ़ी भी है। और अभी भी लोग सोचते हैं कि जो पहले उनके साथ थे, अभी वो लोग सोचते हैं कि शायद इसने कुछ घपला किया होगा। सोसाइटी में अभी भी उनके बारे में बात होता है। उनके फैमिली के बारे में बात करेंगे तो उनका फैमिली अभी भी शॉक में है। वो लोग सोचते हैं कि केस क्लोज हो गया है, लेकिन फिर भी अंदर अंदर डर तो रहता ही है। मीरा देशमुख इज ऑल्सो बैक टू इंडिया विद हर सॉफ्ट-हार्टेड हस्बैंड। लेकिन अभी पुलिस के पास अभी एक तगड़ा एविडेंस लग गया है बॉस। अभी उसका विजय का बचना मुश्किल है। लेकिन आप चौथी फेल विजय सालगांवकर अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या इस बार विजय सालगांवकर अपनी फैमिली को फिर से बचा पाएगा? क्या इस बार भी पुलिस को वो चकमा दे पाएगा? ये आपको सिनेमा हॉल में जाके पता चलेगा। बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इस बार एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, आईजी, जिसके रूप में आपको देखने का मिलेगा अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना के कैरेक्टर या एक्टिंग के बारे में बात करने से पहले मैं उनके लुक के बारे में बात करना चाहूँगा। पूरा गंजा कर देते भाई, पूरा गंजा कर देते, विग पहना देते, थोड़ा थोड़ा बाल क्यों रखे, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। एक्टिंग की अगर बात करें, अजय देवगन इज ऑल एज यूजुअल वेरी गुड। टब्बू, श्रेया सरन, आदर जो आसपास के कैरेक्टर थे वो भी मेरे को बहुत ही अच्छे लगे। स्क्रीन प्ले भी बहुत टाइट है। बात करेंगे एक स्पेशल कैरेक्टर की, जो है गाय तोंडे का। भाई साहब, गाय तोंडे तो इस बार भी अपना हाथ साफ किया है विजय सालगांवकर के फैमिली के ऊपर। इस बार उनके शिकार बने उनका बड़ी बेटी, उनके ऊपर हाथ साफ किए हैं। शायद उनको अच्छा लगता है हाथ साफ करना, लेकिन मुझे तो ये कैरेक्टर बहुत भयानक लगता है, बहुत इविल लगता है। अभी बात करेंगे कि क्या दृश्यम का पार्ट 3 आएगा। आई डाउट, लेकिन आ भी सकता है भाई। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर सीक्वल का क्लास लेवल अगर इस टाइप का हो, आई वुड रिक्वेस्ट कि दृश्यम 3 भी आना चाहिए। आपको ये मूवी कैसा लगा? अगर आपने देखे हैं ये मूवी, आपको कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और ना मेरे पास कोई पैसा आएगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं ये रिव्यू कैसा लगा, बिना गाली दिए बता सकते हैं कैसा लगा। और अच्छे रहिए, खुश रहिए और प्लीज़ वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।